करुणा, यह था बुद्ध का अचित। साम्राज्यों की नृशंसता पर भारी पड़ता रहा है यह। साम्राज्य हासिल करना चाहने वाले इस करुणा पर भारी पड़ते हैं। वे सोचते हैं उन्हें कब्जा करना आता है, जैसे फतह करना ही महान है। बुद्ध ने फतह में जारी निर्दयता का सामना किया था। कभी नष्ट नहीं हुआ यह अमर्त्य, फूटता रहा सोते की तरह किसी न किसी दिल में बसकर, खींचता रहा बड़ी लकीर धोखे के पैरों के नीचे से, खींचता रहा उसका बल। एक नहीं कई कई आवाजों में शामिल हुआ है कई बार कि दर्द कहीं उठे, पेड़ पालो, पशु पक्षी नदी आकाश उसे कलेजे में समेट लो, सबकी प्यास का सोता बनो आज नहीं तो कल, तुम्हारे लिए नहीं तो कायनात के लिए सुंदर होगा सब कुछ कि दुनिया सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है। कितनी खूबसूरत कविता, जो बुद्ध के शांति संदेश से निकलकर पर्यावरण की रक्षा का संदेश देती है। एक बेहद मुकम्मल कविता चंद्रकला त्रिपाठी मैम जी की। मैम को अनंत शुभकामनाएं। आपकी और कविताएं हम लगातार पढ़ते रहें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब।